This टुडे भी conference will now इंट्रोड्यूस be recorded. इन अ लिनक्स, और लिनक्स में हम बात कर रहे हैं विम कमांड्स के बारे में. सो विम कमांड कॉल द एडिटर. विम जो है हमारा वो क्या है, वो एक एडिटर है. यानी कि विद द हेल्प ऑफ विम एडिट एंड राइट कंटेंट इन एनी फाइल. यानी कि सिंपल सा है, इफ यू कैन राइट एनी कंटेंट, अगर आपको किसी भी फाइल के अंदर कुछ भी टाइप्स के कंटेंट्स के अंदर चेंजेस करनी है तो यू कैन यूज अ विम कमांड. गॉट इट गाइस? यानी कि आपने एक फाइल बनाई, सो नाउ कि अगर आपको कोई भी फाइल क्रिएट करनी है, व्हेन यू क्रिएट अ फाइल, तो क्रिएट अ फाइल, अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है, सो ऑलवेज द फाइल क्रिएट विद टच कमांड, जिसका हम लोगों ने यूज करा हुआ है. विद द हेल्प ऑफ टच कमांड क्रिएट अ फाइल. यार तो टच कमांड के थ्रू क्या होती है, क्रिएट फाइल. गाइस देखिए, काफी सारे लोगों ने आपको ये भी बताया होगा कि हम विम के थ्रू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, नैनो के थ्रू भी फाइल क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, नैनो के थ्रू या विम के थ्रू ये फाइल का कंटेंट विद, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है हाउ टू क्रिएट अ फाइल, सो फाइल ऑलवेज आपकी टच कमांड से होगी, क्योंकि विम से कभी भी फाइल क्रिएट नहीं होगी. यानी कि टच कमांड से यू कैन क्रिएट अ ब्लैंक फाइल ओनली. बट अगर आप किसी के साथ किसी में काम करना चाहते हो कि आप चाहते हो क्रिएट भी हो जाए और एडिट भी मिल जाए, देन उसके लिए हम यूज करते हैं विम का. यानी कि क्रिएट एंड एडिट दोनों काम एक साथ हो तो हम डायरेक्ट विम से बना सकते हैं. बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं तो गाइड यू कैन क्रिएट ऑलवेज फाइल, कि अगर आपको कभी भी फाइल क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है तो आप कभी भी डायरेक्ट विम कमांड का यूज मत करो, क्योंकि वो चीज आपको ऑलवेज कंफ्यूज कर देगी. तो बेटर है कि अगर आपको कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करना है तो ऑलवेज यू कैन क्रिएट अ फाइल. तो सबसे पहले आप टच कमांड से फाइल क्रिएट करिए. लाइक मैंने यहां पे एक फाइल क्रिएट करी टच, और फाइल नेम इज क्लाउड डेटा. तो मैंने यहां पे एक फाइल क्रिएट करी क्लाउड फाइल के नाम से, या क्लाउड हाइफन फाइल वन. तो ये मैंने फाइल क्रिएट करी, बट ये मेरी कौन सी फाइल है, इट्स अ ब्लैंक फाइल. तो टच कमांड से भी ऑलवेज क्रिएट अ एम्प्टी फाइल और ब्लैंक फाइल. नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट आता है गाइस, नेक्स्ट आता है कि विम कमांड से यू कैन एडिट, कि अगर आपको इस फाइल के अंदर कुछ भी चीज लिखना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं विम कमांड का. तो विम और गिव द फाइल नेम cloud-file1. अब गाइस जब आप इस तरीके से करेंगे तो नाउ आपकी ये फाइल ओपन होके आपके पास आ जाएगी. इज इट क्लियर? अबे आकाश, हिमांशु, तो यहां पर आपके पास जब भी फाइल ओपन होती है तो यहां पर आपके वीआई एडिटर के थ्री मोड है. यानी कि जब भी आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे वीआई और किसी भी फाइल का, विम या वीआई कमांड होती है शॉर्ट, विम कमांड और क्लाउड के बाद जब भी आप फाइल ओपन होंगे तो यहां पर आपके पास इसके थ्री मोड्स अवेलेबल होंगे, जिसमें पहला जो मोड आता है वो आता है स्किप मोड, दूसरा जो आता है वो आता है इंसर्ट मोड, और तीसरा मोड आपके पास आता है कमांड मोड. तो दीज आर द थ्री मोड इज अवेलेबल, स्किप मोड, इंसर्ट मोड एंड कमांड मोड. अब मैं बात करता हूं सबसे पहले स्किप मोड की. स्किप मोड का मतलब है गाइस कि सिर्फ आपने विम कमांड करा और फाइल को क्या कर दिया, ओपन कर दिया.
तो ये आपका कौन सा होगा, स्किप मोड वाला टास्क होगा। सो स्किप मोड की कमांड की अगर मैं बात करता हूं, सो आई एम जस्ट कम टू पैनल एंड ऑल्ट कंट्रोल RAD रेड HAT रेड एट, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नाम क्रिएट अ वन फाइल touch cloud cloud hyphen file file one touch space cloud cloud hyphen data या cloud hyphen file file one, आई एम क्रिएट अ वन फाइल, और अब मुझे फाइल पे कुछ काम करना है। सो मैं यहाँ पर अभी आपको कुछ चीज बता रहा हूं, मैंने विम लिखा और क्लाउड डेटा फाइल वन लिखा, ये मेरी फाइल ओपन हो गई। ये जो मेरा मोड है ये कौन सा मोड है, ये आपका एडिटर नहीं है, स्किप मोड है ये मेरा, विम एडिटर का स्किप मोड है ये, बाय डिफॉल्ट एडिटर मोड नहीं है। एडिट के अंदर जाके भी तीन मोड है मेरे, ये जो बाय डिफॉल्ट ओपन होके आ रहा है ये कौन सा है। गाइज मैं स्किप मोड को थोड़ा सा कुछ लिख रहा हूं फिर मैं आपको बताऊंगा। सपोज करो कि मेरे पास, मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिखा, हेलो आई एन डी आई ए इंडिया डब्ल्यू एल सी ओ एम वेलकम टू आई एन डी आई ए इंडिया वेब एस ई आर वी आर सर्वर, और मैंने यहाँ पे लिखा लाइक हेलो एफ आर ए एन डी फ्रेंड एच ओ डब्ल्यू हाउ आर यू टूडे एंड लाइक। अब यहां पर देखिए कि ये मैंने दो लाइन यहां पे लिखे, मैं और यहां पे लिख देता हूं जॉइन माय और मैं यहां पे कुछ भी लिख देता हूं लाइक, ठीक है ये मेरा कुछ कंटेंट यहां पे लिखे हुए हैं, गॉट इट एवरीवन। एंड मैं यहां पे विदाउट स्पेस यहां से स्पेस भी रिमूव कर देता हूं, इसमें माउस नहीं चलता है, मैं आपको बता देता हूं, तो आपको एरो की, सो एस्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू, फिलहाल में आ गया। अब आपकी कोई भी एक फाइल है और आपने उस फाइल को ओपन करा, तो ये जो आपका खुल रहा है ये कौन सा स्किप मोड है, जो कि बाय डिफॉल्ट है। अब स्किप मोड में ये देखना आपके पास एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जो कि कहां पर ब्लिंक कर रहा है, बी पर। इफ यू प्रेस एक्स डिलीट द कंटेंट, अगर आप स्किप मोड में खाली एक्स प्रेस करते हो तो आपका क्या होगा, एग्जिट कमांड, या यहां से आपको अगर आकाश बाहर होना है तो कॉलन डब्ल्यू क्यू, तो मैंने आपको बोला था आगे मत जाओ, ठीक है ना, तो कॉलन डब्ल्यू क्यू स्मॉल करेक्टर में स्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू करके एंटर मारो, आप बाहर हो जाओगे, कंट्रोल जेड कर दो आप। या अब मैंने यहां पे क्या करा कि अगर आप एक्सप्रेस करते हो तो आपका एक एक कंटेंट क्या होगा, डिलीट होगा, और अगर आप कंट्रोल यू प्रेस करते हो, सॉरी एक मिनट, स्किप मोड में अगर आप प्रेस करते हो यहां पे एक्स की जगह यू, तो आपका वो कंटेंट अंडू हो जाएगा। तो कंट्रोल नहीं, खाली एक्स, सिंपल एक्स, डिलीट द वर्ड, डिलीट द करेक्टर्स नॉट इन वर्ड, करेक्टर्स का मतलब है बी के एस एच ए बी। सो विद द, इफ यू कैन प्रेस एक्स इन अ स्किप मोड ओनली करेक्टर इज डिलीट, इफ यू कैन प्रेस यू द करेक्टर इज रिकवर, यानी कि अंडू। क्लियर आकाश, हिमांशु, मिताली, प्रियम, सौरभ, एवरीवन, इज इट क्लियर द पॉइंट? नाउ इफ यू प्रेस थ्री टाइम एक्स तो थ्री करेक्टर्स डिलीट हो जाएंगे, If you press 5 times x, तो 5 करेक्टर डिलीट होंगे। Like मैंने यहाँ पे 3 times x दबा दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि जितनी बार आप x प्रेस करते जाएंगे उतनी बार आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, जितनी प्रेस आप u करते जाएंगे उतनी बार ही आपके करेक्टर्स आपको वापस मिलते जाएंगे। लेकिन अब आप चाहते हो कि मुझे तो करेक्टर डिलीट नहीं करना, मुझे ये हेलो डिलीट करना है, यानी कि अब मैं बात कर रहा हूं वर्ड की, मैं किसकी बात कर रहा हूं गाइस, वर्ड की, क्योंकि मैंने यहां क्या लिखा, हेलो इंडिया। अब यहां पे क्या लिखा मैंने, हेलो इंडिया डी डब्ल्यू। इफ यू प्रेस द डी डब्ल्यू
डी और डब्ल्यू, अगर आपने डी और डब्ल्यू दबाया तो आपका पूरा का पूरा वर्ड जाएगा, करेक्टर डिलीट नहीं होगा। दैट मीन्स इफ यू कैन डिलीट इंटायर वर्ड, लाइक मैं टू को डिलीट करना चाहता हूं कि टी ओ टू, सो आई एम जस्ट टाइप द डी डब्ल्यू, मैं लाइक अ डी डब्ल्यू, तो अब मुझे वापस लाने इन सबको, तो मैं यहां पे यू यू कर देता हूं। तो अंडू के लिए तो यू यूज होता है, वर्ड के लिए आपका आता है डी डब्ल्यू। अब मैं चाहता हूं कि मेरी हेलो इंडिया वेलकम टू इंडिया वेब सर्वर्स, क्या हो रहा है, पूरी की पूरी लाइन डिलीट करनी है, तो डी प्रेस कर दीजिए आप, यू कैन डिलीट टू टाइम्स, हाँ दो बार डी दबाना पड़ेगा आपको, बैक टू बैक, सिंगल डी नहीं डबल डी, इफ यू कैन प्रेस द डबल डी द इंटायर लाइन इज डिलीट, यानी कि हेलो इंडिया वेलकम टू इंडिया वेब सर्वर, मैं इस पूरी इंटायर लाइन को डिलीट करना चाहता हूं, पहले मैंने करेक्टर डिलीट करा तो एक्सप्रेस करा, मैंने वर्ड डिलीट करा तो डी डब्ल्यू, अब मैं पूरी इंटायर रो डिलीट करना चाहता हूं तो डबल डी। अगर मैंने यहां पर थ्री डी डी लिख दिया या टू डी डी लिख दिया तो तीन लाइन डिलीट हो जाएंगी, थ्री डी डी लिखा तो थ्री लाइन, यानी कि मैंने यहां पे यू लिखा, अब यहां पे आप टोटल देखिए 1 2 3 4 5 लाइंस है, 1 2 3 4 5, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं टू प्रेस करा और दो डी डी दबा दिया, तो दो लाइंस मेरी डिलीट हो गई, टू दबाया तो दैट मीन्स टू नंबर ऑफ लाइंस, तो टू से टू लाइन डिलीट होंगी, थ्री से थ्री लाइन, फाइव से फाइव लाइन, देन अगेन आई एम प्रेस बैक टू यू, यू का मतलब है अगेन आई एम बैक टू अंडू, अब इससे आगे का आता है ये सारी कमांड स्किप मोड में चलेंगे, तो अब यहां से आता है लाइक इफ आई एम प्रेस लाइक शिफ्ट जी, तो अगर मैंने शिफ्ट जी बताया तो वी आर जस्ट गो टू द बॉटम ऑफ द फाइल, यानी कि सबसे नीचे वाली रो पे मैं चला जाऊंगा, हिमांशु आई प्रेस ही नहीं करना, मैंने पहले बताया था स्किप मोड, तो मैं अभी स्किप मोड की बात कर रहा हूं, मैं अभी इंसर्ट मोड में गया ही नहीं, इसलिए मैं इंसर्ट में गया ही नहीं हूं, गॉट इट हिमांशु, सॉरी हिमांश, नॉट इन हिमांशु, तो यहां पर वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अभी तक आप क्लाउड पढ़ रहे थे तो मैं डायरेक्ट आपको इंसर्ट मोड में लेके जाता था, मैंने स्किप मोड कभी बताया नहीं था क्योंकि मुझे वहां पे आपको लिनक्स पढ़ाना नहीं था, ठीक है ना, तो अब मुझे को आप यहाँ पे लिनक्स पढ़ रहे हो तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि सबसे पहले हम स्किप मोड किए, तो अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, जी दबाया, शिफ्ट प्लस जी दबाया तो बॉटम पे आ गया, और डबल जी दबा दिया विदाउट शिफ्ट तो टॉप पे आ जाऊंगा, तो टॉप पे अगर जाना है तो क्या दबाना है आपको, डबल जी, और बॉटम पे आना है तो शिफ्ट जी, और अगर मैं यहाँ पे एक और कमांड सिंगल जी, डबल जी में टॉप पर आएंगे और शिफ्ट प्लस जी के साथ बॉटम पे आएंगे, अब यहां पर कुछ और कंडीशन है, इफ यू कैन प्रेस जेड जेड एग्जिट फ्रॉम द फाइल, अगर आपने यहां पर डबल जेड प्रेस कर दिया, शिफ्ट प्लस जेड जेड, तो मैं क्या होगा, शिफ्ट प्लस जेड से क्या हो जाएगा, मैं अपनी फाइल से बाहर आ जाऊंगा, और दोबारा से फाइल में जाना है तो वी आई एम क्लाउड फाइल वन और ई फोर एडिट दबा देता हूं फिलहाल में, तो फिलहाल क्या है कि शिफ्ट जेड दबाया आपने तो यू कैन एग्जिट फ्रॉम द फाइल, अब आता है यहां पर जेड है खाली, मैं इस समय मेरा कर्सर कहां पर है, जे पर है, नाउ आई एम प्रेस कैपिटल एच, बताइए आगस्त क्या, डबल जी नहीं सिंगल जी से टॉप, सॉरी बॉटम और डबल जी से टॉप, बट डबल जी को आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, डबल जी फोर
टॉप ऑफ द फाइल विदाउट शिफ्ट, ओके आकाश, और सिंगल जी दबाना है तो शिफ्ट के साथ लेना है, वो आपके बॉटम के लिए यूज होगा। अब यहां पर एक आ रहा है कि अगर मैंने यहां पर शिफ्ट के साथ यानी कि कैपिटल एच, एक मिनट कैप्स लॉक ले रहा, मेरा कीबोर्ड भी ना महान है, एक मिनट गाइस। अगर मैंने यहां पर, मैं अभी कहां पर आ गया, मैंने शिफ्ट के साथ जी दबा दिया तो कहां पर हूं, बॉटम पर हूं, और मैं अब यहां पर आ जाता हूं लाइक का, मैं यहां पर हूं लास्ट वर्ड पे। अगर मैंने यहां पर कैपिटल एच दबा दिया तो आप फर्स्ट करेक्टर ऑफ द फाइल पे आ जाएंगे, इफ यू कैन प्रेस कैपिटल एच, यानी कि शिफ्ट के साथ एच दबा, यानी कि कैपिटल एच दबाना है आपको तो भी आ जाएगा। आप फाइल के की कहीं पर भी फंस गए और आप अगर उसके टॉप ऑफ द अपर कंटेंट पर आना चाहते हो कि पहली रो और पहला करेक्टर ऑफ द फाइल पर आना चाहते हैं तो आप कैपिटल एच, क्लियर द पॉइंट। अब यहां पर आते हैं, अगर आप कैपिटल एम दबाते तो मिडिल ऑफ द लाइन, मिडिल ऑफ द फाइल, आप मिडिल लाइन पे आ जाओगे अगर आपने एम दबाया, कैपिटल एम है तो शिफ्ट के साथ ही आप दबाएंगे अगर होगा तो, या आपने अगर यहां पे, मैंने कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूं और मैं एच दबाता हूं खाली या एम दबाता हूं, सो कैपिटल एम दबाओगे तो मिडिल लाइन, कैपिटल एच दबाओगे तो फर्स्ट करेक्टर ऑफ द फर्स्ट लाइन, यानी कि कैपिटल की बात हो रही है, शिफ्ट नहीं है यहां पर, विदाउट शिफ्ट है। एक्चुअली क्या है ना, मैंने स्मॉल रखा था तो कैप्स के लिए मुझे शिफ्ट दबाना पड़ रहा था, वो कैपिटल है, शिफ्ट के साथ जो आ रहा है वो कैपिटल में आ जाएगा, हाँ तो कैपिटल ही वर्ड में आना है ना, मैं शिफ्ट के साथ दबा रहा था तो इसलिए बोल रहा था, बट एक्चुअली में लिखा कुछ और हुआ है कुछ और, तो कैपिटल एच यानी कि अगर आपको शिफ्ट नहीं दबाना है तो कैपिटल एच आपको फर्स्ट लाइन फर्स्ट करेक्टर, कैपिटल एम मिडिल लाइन और कैपिटल एल लोअर, एल लोअर लाइन लोअर करेक्टर, क्लियर इतना। अब आप यहां पर एक और चीज देखिए कि मैं अभी यहां पर हूं एच पर और मैंने यहां पे क्या करा, मैंने यहां पे प्रेस करा, एक मिनट स्केप, मुझे एडिट में जाना नहीं है ना, मुझे जाना है, अंडू कर दो ना, पहले तो क्लिक करो, स्किप कर दिया था मैं। यहां पर आपको एक दो वर्ड और बताना चाह रहा हूं, लाइक ये कंप्लीटली जो जे आ रहा है ना, तो आई एम प्रेसर जे, गॉट इट, तो जे का मतलब क्या है, पूरी की पूरी लाइन आपकी शिफ्ट हो रही है, द लाइन आपकी क्या हो रही है, शिफ्ट हो जा रही है, अब उसमें रो में मर्ज हो रही है, यानी कि अगर मैं यहां पे आया लाइक आई एम अवेलेबल इन, यहां पे लास्ट करेक्टर पे आके या कहीं भी आके मैं यहां पे क्या करता हूं, जे प्रेस करता हूं तो ये मेरे एक सिंगल लाइन बन गया पूरी की पूरी, तो मैंने यहां पे क्या करा, प्रेस करा जे, तो जे का मतलब है डाउन द सिंगल लाइन ऑफ द फाइल, यानी कि जो भी आपकी लाइन लाइन है, और अगर आप यहां पर प्रेस करते हो जेड जेड तो एग्जिट, तो कैपिटल जेड जेड ही हो गया आपका, क्योंकि मैं शिफ्ट के साथ ये भी कैपिटल जे ही था, जेड जेड
कैपिटल जे नहीं था, स्मॉल जे था वो तो. सो अगेन आई एम कम टू हेयर और ई फॉर एडिट और मैं यहाँ पे आता हूँ. ये केस सेंसिटिव है ना. अब यहाँ पे बता रहा हूँ तेरे को, अब इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूँ ना, क्यों परेशान हो रहा है. अबे बस ये अगेन मेरी फाइव लाइन दोबारा से हो गई है. अब यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं स्मॉल जे की. मैंने यहाँ पे स्मॉल जे लिखा, सॉरी मैं इंसर्ट मेनू में बाहर आ जाता हूँ. मैंने यहाँ पे स्मॉल जे लिखा. अब मैंने अगर स्मॉल जे करा तो आप देखिए आपका कर्सर कहां पे आ रहा है, वन रो डाउन. कैपिटल जे पे तो लाइन जा रही थी, अब आपका कर्सर क्या हो रहा है स्मॉल जे पे, आपका एक कर्सर क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है. और स्मॉल के से अब जाएगा, यानी कि आप ज्वाइन पर हो, आप हेलो की तरफ जाना चाहते हो तो के, और आप वापस ज्वाइन पे आना चाहते हो तो जे. तो के का मतलब है डाउन, अप और डाउन. तो के से आपका अप जाएगा और जे से आपका क्या आएगा, कर्सर डाउन की तरफ आएगा. दोनों ही स्मॉल में है, ठीक है ना. तो वीडियो दोबारा से देखना और लिख लेना. कमांड सी है भाई लिनक्स में और कुछ नहीं है, मत करना ये सब. मैंने पहले भी नहीं बताया था काम, तो फिर भी हो रहा था तुम्हारा. मेन जो काम था वो तो था उसी का ही, डिलीट का. कर्सर अप डाउन से क्या करना है वो तो आप एरो की से भी कर लोगे इतनी देर में. तो एवरीवन इज इट क्लियर. अब यहां पर देखिए अगेन मैं अवेलेबल हूं, हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू टुडे. अगर मैं यहां पर W प्लस करता हूं तो आप क्या कर रहे हो, वन वर्ड फॉरवर्ड में जा रहे हो. स्मॉल में है सारी चीजें. अब इफ आई एम प्रेस द W, वन वर्ड फॉरवर्ड. और अगर मैं यहां पे स्मॉल B प्रेस करता हूं सो बैकवर्ड, यानी कि मुझे क्या करना है, हेलो से फ्रेंड पे आना है. सो आई एम प्रेस W. अब फ्रेंड से मुझे हाउ आर पे यू आना है, प्रेस हाउ आर यू हाउ. और अगर मुझे दोबारा से फ्रेंड पे जाना है सो वी हैव प्रेस अ बी, जिनको आप चार एरो की से एग्जीक्यूट करते हो. एंड आपको डायरेक्ट आप किसी भी लाइन पर हो, गॉट इट. और आपने अगर यहां पे प्रेस करा लाइक इसको क्या बोलते हैं, इस साइन को तो मैं भी भूल गया, सिक्स के साथ जो साइन है को क्या साइन बोलते हैं इसको, एक्सप्लेनेशन साइन, एक्सपोनेंशियल साइन जो है, अगर आप इसको करते हो तो आप लाइन के फर्स्ट करेक्टर पे पहुंच जाएंगे. यानी कि मैं अभी कहां पर हूं, मैं हूं यहां पर टूडे पे, ठीक है. मैंने क्या करा, शिफ्ट के साथ एक्सप्लेनेशन साइन जो भी आप बोलते हो ये प्रेस करा तो आप पहले लाइन के फर्स्ट करेक्टर पे, फर्स्ट लाइन पे, पहले पे, यानी कि सिंगल फर्स्ट करेक्टर पे आप आ जाओगे. यानी कि आपका जो कर्सर है वो कहां पे आ जाएगा, फर्स्ट करेक्टर पे आ जाएगा. सो W फॉर वर्ड फॉरवर्ड, B फॉर बैकवर्ड और एक्सप्लेनेशन साइन फॉर फर्स्ट वर्ड. अब आपको अगर आप प्रेस करते हो लाइक शिफ्ट प्लस डॉलर का साइन तो आप एंड के वर्ड पर पहुंच जाओगे. यानी कि मैंने एक्सप्लेनेशन साइन को प्रेस करा तो एच पे आ गया, और अगर मैंने डॉलर को प्रेस करा तो वाई पे आ गया. हाँ, उसी लाइन का लास्ट करेक्टर प्रेस डॉलर. मिडिल के लिए आपको बता दिया, मिडिल लाइन के लिए बता दिया है, वर्ड के लिए बता दिया है, लास्ट करेक्टर के लिए बताया. अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि मैं यहां पर हूं हेलो फ्रेंड्स वाली लाइन पे. मैंने यहां पे लिखा वाई वाई
पी। तो वाई वाई से फाइल क्या होगी आपकी, कॉपी होगी, और पी से क्या होगी, पेस्ट होगी। Got it? So, अगर आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है सो यू कैन प्रेस वाई वाई। सो वाई वाई से अब आप ध्यान से देखना कि मैंने यहां पे वाई वाई लिखा और पी करा तो दोबारा से फाइल मेरी हो गई, सब स्मॉल है। हाँ कहीं पर भी हो जाएगा, वाई वाई करा मैंने और यहाँ पे आ गया मैं एंड में, या मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, आईफोन इंसर्ट मेनू में आना पड़ेगा मुझे पहले आपके वाले उसको करने के लिए, और यहाँ पे पी कर देता हूँ, सॉरी स्केप करके स्किप मोड पे जाना पड़ेगा पी। सो मतलब वाई से आपका कॉपी होता है और पी से क्या होता है, पेस्ट होता है। लेकिन गाइस अगर आपको ये फाइल सेव करनी है तो यहां पर अगर आपको क्या करना है, इससे बाहर आना है फाइल को, आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्रेस एस्केप, पहले तो एस्केप की दबाना है, देन कॉलन डब्ल्यू क्यू, और एस्टेरिक मार्क्स फोर्सफुली सेव करने के लिए। कभी कभार क्या होता है जब आप कॉलन डब्ल्यू क्यू करते हैं तो आपको एरर देना स्टार्ट कर देता है, और अगर आपने डब्ल्यू नहीं लगाया, क्यू खाली लगा दिया तो क्विट होगा, फिर सेव फाइल नहीं होगी। इज इट क्लियर? तो फाइल को सेव करना है तो इन अ स्मॉल करेक्टर कॉलन डब्ल्यू क्यू, और अगर आपको सिर्फ क्विट करना है तो यू कैन प्रेस ओनली क्यू। क्या हुआ, ज्यादा हो गया क्या, सबसे ऊपर आता है वन से नीचे टिल साइन के आगे। नाउ कॉलन डब्ल्यू क्यू मैंने करा इंटर, यानी कि अब मैं फाइल से बाहर हो गया, मैं दोबारा से आता हूं। वो क्विट कर देगा, डब्ल्यू क्यू से सेव एंड राइट कर देगा, सेव एंड क्विट। तो सर अगर हम क्यू लगाएंगे तो फिर एक्सक्लेमेशन साइन की क्यू रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें प्रोसीजर सेव नहीं करना। वो करता नहीं है, वो लगवाता है, कभी हो जाता है कभी नहीं होता है, तो लगाना पड़ेगा। एवरीवन इज इट क्लियर? तो पहले बताओ इतनी काफी है और बताऊं? गाइस प्लीज रिप्लाई। प्रियम हाउ टू रिमेंबर ऑल दिस कमांड्स, ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है आपका, यू कैन वॉच वीडियो। तो तसल्ली से वीडियो देखो, पहले पेन कॉपी लेके बैठो, उनका मीनिंग लिखो, फिर प्रैक्टिस करो। ऑल वीडियोज अवेलेबल इन माई चैनल। थैंक यू गाइज। इतना